Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. लेकिन ये सारी बातें देखें, पता है ना, फिर ये यूनिवर्सिटी के आप भी पढ़े हुए हैं, नौजवान तबके को सब पता है, तो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिस क्यों नहीं है? ठीक है, मोमिन क्यों नहीं मोमिन हम बन रहे, इस पे क्या आपका व्यू है? क्या कुछ चेड़ खाते हैं, रिलीजियस तबके से चेड़ खाते हैं, क्या वजह? वो आपके ही प्रोग्राम में सारे दीन भाई कहते हैं कि यकीन की कमी है। सही, मोटिवेशन तो है हमारे पास, यकीन की कमी है ना, यकीन नहीं है जन्नत में जाना है, यकीन नहीं है मौत पे, यकीन नहीं आ रहा हमें बस, हमारे यकीन में कमी है। तो क्या इसका सलूशन क्या होना चाहिए? इसका सलूशन है तरबियत करें। आप जैसे जो नौजवान मैदान में आए हुए हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, उनकी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, दीन से निकाल के, इस्लाम से सॉल्यूशन निकाल के दे रहे हैं उनको उनके डिप्रेशन का सॉल्यूशन आप जो है वो किताबुल्लाह से देते हैं, हदीसों से देते हैं, आप उनकी एंजाइटी का, उनके डिप्रेशन का, जब इनको सॉल्यूशंस कुरान से और हदीसों से मिलना शुरू हो जाएंगे, उनका यकीन पुख्ता हो जाएगा, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। और जो एक बड़ा एक फास्ट ग्रोइंग एक मैं समझूंगा एक मज़हब तो नहीं कह सकते, एक जो एक एथीज़म जो एक ग्रो कर रहा है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एक मुलहद बड़ा ज़्यादा हमारे जो है ना लोग बच्चे बन रहे हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से है कि घर से भी तरबियत नहीं मिल रही दीन की और बाहर से नहीं मिल रही, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं है प्रॉपर, हमारे यहाँ पे इदारे नहीं है प्रॉपर, ट्रेनिंग नहीं होती यहाँ पे बच्चों के पास। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेज के, वो बहस करते हैं, वो कहते हैं भाई कौन से मदरसे हैं तुम्हारे, वो फिरका परस्ती सिखाते हैं, फिरका वरियत सिखाते हैं आपको, आपको दीन नहीं सिखाते। तो एक जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया लिबरल्स ने, ठीक है, वो बड़ा ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम सब ने मिल के इससे फाइट करना है। एक बड़ी बारीक लाइन है, दो अप्रोचेज हैं हमारे मुआशरे के अंदर, एक है एक्सट्रीम लिबरल, एक है एक्सट्रीम कंजर्वेटिव कह लें या जो दीनदार तबका है, ये दो एक्सट्रीम अप्रोचेज हैं हमारे मुआशरे के अंदर। दीनदार तबका ये समझता है कि यार अगर हमने दुनिया को काम किया, दुनिया को मामला किया, तो हम जो है ना वो दीन का सही हक अदा नहीं कर रहे। जो दुनियादार बंदा है वो कहता है उधर जाके जो है तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा हैरान कुन है, ये बड़ा एक अनोइंग और एक बड़ा एक डिप्रेसिव कॉन्सेप्ट है कि यार ये हो क्या रहा है हमारे मुआशरे के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी ज़्यादा काबिशें हैं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इसके अंदर हम ज़रूर एक ना एक हम मिसाल यही कायम कर रहे हैं ना कि देखो अगर मैं कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से आ सकते हैं हम इस तरफ, माशाल्लाह जो बैकग्राउंड हैं, ज़िया भाई का बैकग्राउंड देख लें आप, बाकियों का, आपके कुछ एग्जिस्टेंशियल सवाल थे हर बंदे के ना, मतलब एक ऐसा मिड लाइफ क्राइसिस कह लें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गुजरते हैं इस चीज़ से, कुछ आपके कन्फ्यूजन्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या कुछ ऐसे मतलब टफ किस्म के सवाल थे जिनका आप समझते थे कि यार मुझे आंसर चाहिए दीन के हवाले से बात करो, ओवरऑल लाइफ को दीन के हवाले से बात करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो है ना वो उनके सवाल और आई वॉज वन ऑफ देम, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से क्योंकि एक दीनी घराने के अंदर तरबियत पाई थी, तो कॉन्सेप्ट सही होने के अंदर और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन एक कंफ्यूज करते थे अगले के सवाल क्योंकि इलम नहीं था। सही, हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़के इस करते थे कि अल्लाह इज सो वाइज, ही इज द सिंबल ऑफ विजडम, सो व्हाई डज ही नीड आवर प्रेयर्स। नमाज ना पढ़ने की 10,000 दलाइल है उनके पास। सही, ठीक है, उनके पास वो अपने फोहश को जस्टिफाई जो है वो 10,000 रीजन से जस्टिफाई करते हैं, वो अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने अकीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनको, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो ये समझते हैं, वो अभी भी उसी थ्योरी पे हैं कि भाई हम जो है ना वो बंदर से इंसान बने हैं और ये सारा जो है ना वो वन डे विल डाई और खत्म, दैट विल खाले पीले जीले पार्टी कर बस। वो उनके लिए एक वो उनके पास रीजनिंग है कि यार अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा शफीक है, तो माँ तो अपने बच्चे को जो है वो कोई तकलीफ नहीं पहुँचने देती, तो 70 माओ से ज़्यादा शफीक अल्लाह तुम्हें दोज़ख में डाल देगा नमाज ना पढ़ने की वजह से, हाउ इज़ इट पॉसिबल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ख़तरनाक है। और अच्छा मज़े की बात कि सूरह कहफ़ में दूसरी स्टोरी इस पे साहब कहफ़ के बाद, वो जो था जिसके पास बहुत कुछ था उसकी थिंकिंग ही ये थी कि यार क्या आखरत की बातें कर रहे हो, अगर आई भी तो अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा देगा। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि एक आखरत पे ना यकीन होना, मैं ये समझता हूँ कि गुनाहों से अगर आपने बचना है ना, और एक अगर आप चाहते हैं कि
आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई रिफॉर्म्स आएँ और आप बेहतर इंसान बने और दीन के करीब हों, तो मैं समझता सिर्फ 6x3 की कबर को याद रखें कि वन डे यू विल डाई, और जाते साथ ही आपका हिसाब किताब शुरू है। दुनिया के अंदर आपकी हर ज्यादती का, हर नाइंसाफी का, हर बुराई का जाते साथ हिसाब है। और ये हमें नहीं पता कल हमने जिंदा रहना या नहीं रहना, इस बात पे लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमने जब कब्र में उतरना तो हमारा हिसाब शुरू है और ना खत्म होने वाली जिंदगी है। 5 मिनट एसी के बगैर आप कमरे में बैठ जाएं, 5 मिनट एसी के बगैर कमरे में बैठ जाएं, आपकी हालत गैर हो जाती है। सही। तो वो 6x3 की कब्र के अंदर ताहयात ना खत्म होने वाली जिंदगी आप गुजार लेंगे अपने इस किरदार के साथ, अपने इन रवैयों के साथ, अपने इन इखलाक के साथ। आप गुजार लेंगे 6x3 की कब्र के अंदर पूरी जिंदगी। सही बात। आपको कोई जोर से जगड़ लेना तो आपका दम घुटता है, तो कब्र ने आपको इस तरह दबोचना है कि आपकी एक साइड की रिब्स दूसरी साइड की रिब्स के ऊपर आ जानी है। आपको क्या उससे डर नहीं लगता? थोड़ी रिसर्च करें। आप जस्टिफिकेशन देते हैं अपने गुनाहों की, जस्टिफिकेशन देते हैं कि मौलवियों ने बर्बाद कर दिया हमारा मुआशरा, मौलवियों ने हमें दीन नहीं सिखाया। क्या दीन सिखाने की जिम्मेदारी मौलवी की थी? सही बात। तुम MBBS के स्टूडेंट हो, तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, प्रोफेसर तुम्हें कोई बात करता तुम फौरन किताब का हवाला निकालते हो, सर यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट, इस तरह नहीं लिखा हुआ किताब के अंदर। सुबह भाई 24 घंटे मुतालिया करते ना, हमने MBBS किया, क्या हम अपने प्रोफेसर के मोहताज थे?